न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा कंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, पोसालिया का लाल जयपुर में दे रहे कोरोना सेवा, खाद्य सुरक्षा में धांधली की शिकायत पर किया निरीक्षण, प्रवासी लौटे अपने गांव, नई हुई स्क्रीनिंग, आबू रोड बस स्टैंड पर भालू देख दहशत का माहौल, पूर्व जिला अध्यक्ष ने बॉर्डर पर प्रवासी से की मुलाकात, जैन भमासा द्वारा 50 खाद्य सामग्री किट वितरित, गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए लगाए परिंदे, ग्राम पंचायत की ओर से मजदूरों को बांटे मास्क। अब समाचार विस्तार से। पोसालिया का लाल जयपुर में दे रहा है कोरोना सेवा। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार पोसालिया का बलवंत सिंह देवड़ा राजकीय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जयपुर में कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगा है। राव भानु प्रताप सिंह ने बताया कि गांव में परिवार चिंतित होने के बावजूद भी बलवंत रात दिन कोरोना पीड़ितों की सेवा में जुटे हुए हैं। बलवंत ने बताया कि वे सभी का फोन से बात कर हालचाल पूछ लिया करते थे, लेकिन वर्तमान में समय नहीं मिलने के कारण बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कर्तव्य का पालन तो करना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा में धांधली की शिकायत पर किया निरीक्षण। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड शहर में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची में शहर के धन्ना सेठों, लखपतियों और करोड़पतियों और रईसों के साथ ही विदेशों तक में रह रहे परिवारों के नाम शामिल। शासन और प्रशासन के सभी पारदर्शिता के दावे खोखले और फेल साबित हो रहे हैं। OTP व अंगूठे जैसे कई अत्याधुनिक डिजिटल व्यवस्थाओं के बावजूद राशन डीलरों के आगे सभी अत्याधुनिक डिजिटल पाबंदियां फेल हो रही है। महामारी के प्रकोप में सरकार की छूटों का राशन डीलर जमकर फायदा उठा रहे हैं। अधिकांश रईसों, लखपतियों व करोड़पतियों को मालूम ही नहीं कि उनके नाम की खाद्य सुरक्षा सूची में है और उनके नाम से अप्रैल तक का राशन भी उठा लिया गया है। ऐसे में लोगों की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी ने राशन दुकानों का निरीक्षण कर हालात जाने। प्रवासी लौटे अपने गाँव, नहीं हुई स्क्रीनिंग। मोहन देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के चलते सूरत से 38 प्रवासी निजी ट्रेवल की बस से शुक्रवार को जवाल पहुंचे, जिनका मावल चेक पोस्ट पर पहुंचते ही स्क्रीनिंग करवाया गया, जिसमें सिरोही तहसील में 20 जवाल, 10 नवारा, 6 बरलूट व 2 तवरी गांव के ग्रामीण थे। इन प्रवासियों में से जवाल के सभी 20 प्रवासियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जवाल में खुद का स्क्रीनिंग करवा कर अपने घर पहुंचे, लेकिन नवरा, बरलूट, तवरी के रहने वाले इन प्रवासियों ने जवाल हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग करवाना मुनासिब नहीं समझा और सीधे अपने घर चले गए, जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में बड़ी चूक हो सकती है। आबू रोड बस स्टैंड पर भालू देख दहशत का माहौल। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने जहाँ इंसानों को घर में कैद कर दिया है, वही जंगली जानवरों ने शहर की ओर अपना रुख लेकर लिया है। जंगल से जानवर खाने की तलाश में शहर की ओर आ रहे हैं, ऐसा ही नजारा गत रात्रि को आबू रोड बस स्टैंड पर देखने को मिला। शनिवार की मध्य रात्रि को आबू रोड बस स्टैंड के सामने एक भालू दिखाई दिया, जो बस स्टैंड के सामने बनी एक होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ। जैसे ही इसकी सूचना क्षेत्र के लोगों को मिली तो क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी ने आबू रोड पहुंचकर बासवा नगर मंडल की टीम के साथ मावल स्थित बॉर्डर पर प्रवासियों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। वहां क्वारंटाइन किए गए उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं अन्य राज्यों के मजदूरों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मजदूरों द्वारा बताया गया कि उनको यहाँ एक महीने से भी ज्यादा हो गया है, अभी तक हम यहीं फंसे हुए हैं,
इस पर लुम्बाराम चौधरी ने उच्च अधिकारियों को इनकी समस्याओं के बारे में जानकारी देकर समाधान करने का भरोसा दिलाया। जैन महासभा द्वारा 50 खाद्य सामग्री किट वितरित। रेवदा शिवाक सिंह गोयल की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोविड-19 को लेकर भंडार के अन्य गाँव के असहाय वंचित जो दूसरों पर निर्भर है अथवा कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने के लिए मजदूरी पर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को भामाशाह प्रभावित बहन हजारी मल प्रताप चंद चौवटिया मंडार हाल धूलिया परिवार की ओर से अनुकंपा रसोई हेतु अलग अलग पैकेट का पूरा किट जरूरतमंद परिवारों को वितरित किया जा रहा है। उप तहसीलदार हेमाराम सोलंकी, ग्राम पंचायत के सरपंच परब सिंह देवड़ा, ग्राम विकास अधिकारी रतन सिंह देवड़ा के मार्फत ग्राम पंचायत चौवटिया परिवार के सदस्य जयंती भाई चौवटिया मंडार जैन, पेड़ी के विकास भाई जैन, भरत कुमार दोषी ने सामाजिक कार्यकर्ता मफत लाल बुनकर को सुपुर्द किए गए। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए लगाए परिंडे। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्रीगंज द्वारा गर्मी के मौसम में सेल्फी विद परिंदे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके चलते शनिवार को राष्ट्रीय कला मंच जिला संयोजक राव प्रवीण सिंह पोसालिया ने अपने निवास पर पक्षियों के लिए परिंदा एवं दाने के लिए पात्र लगाकर कार्यक्रम चलाया। राव ने बताया कि दिन ब दिन बढ़ती गर्मी से न केवल इंसान परेशान है बल्कि पशु पक्षी भी इस असहनीय गर्मी को सहने के लिए मजबूर है। ऐसे में घरों या आसपास स्थित पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाने की व्यवस्था की। इसी तरह किवरली गांव में जितेंद्र परमार ने पक्षियों के लिए 21 परिंदे अपने घर व विभिन्न स्थानों पर लगाए और आगे भी पशु पक्षियों के लिए इस तेज गर्मी में दाना पानी की व्यवस्था का संकल्प लिया। ग्राम पंचायत की ओर से मजदूरों को बांटे मास्क। ध्यानचंद दादलिया की रिपोर्ट के अनुसार नारद्रा गांव के सरपंच वेलाराम मेघवाल ने क्षेत्र के में नारद्रा, लोटीवाड़ा बड़ा, लोटीवाड़ा छोटा, उमेदागढ़ सिव सवली में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा कार्य का निरीक्षण लिया। इस दौरान वहाँ करीबन 700 मजदूर कार्य कर रहे हैं जिन्हें पंचायत की ओर से मास्क बांटे गए। इसी प्रकार मोहन देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार जावल में राशन की दुकान, किराना की दुकान आदि का दौरा कर उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उचित मूल्य की रेट लिस्ट लगवाने व उसके अनुसार मूल्य लेने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने और मास्क अनिवार्य रूप से लगवाने की बात कही, वही अनावश्यक बाहर आ रहे लोगों को दंडनीय कार्रवाई की जानकारी दी। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सूर्य शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों फिलहाल इतना है, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय श्री राम।